तो रोजे कयामत मैं इसकी गिरेबान पकड़ कर अपना हिसाब लूंगा। आप जो कह रहे हैं कि रोजे कयामत आप खिजर उमर का गिरेबान पकड़ेंगे, तो क्या वो सरपंच आपका गिरेबान नहीं पकड़ेगा कि जिसके फैसले पर आप अमादा हो गए थे? मेरा नहीं ख्याल के शर्जी भाई, आपको आवाम के सामने अपनी मजलूमियत का ढिंडोरा पीटना चाहिए, जबकि आप पर तो कोई जुल्म भी नहीं हुआ। कल शाहजेब अपनी वीडियो चाके कि मेरे को खिजर उमर माँ बहन दे गालियां कटें, ए वीडियो देखो। कि जब शाहजेब ने उसे हिसाब किताब की बात की तो खिजर उमर ने उसे माँ बहन की गाली दी, जो कि सरासर झूठ है। कल शाहजेब आके के मामला पंचायत ही गए, हल्फ उठावण तक आ गए, पहले वीडियो देखो। उसके बाद हुआ ये कि हमारा मामला पंचायत में चला गया। जब हम पंचायत में पहुंचे तो वहाँ के सरदार ने हमारा ये फैसला किया और एक रकम मुकरर की गई जो हम दोनों को दी गई, शाहजेब भाई को भी दी गई, उसमें से आधी मुझे भी दी गई, और हमारे मामला बिल्कुल खत्म हो गए थे, जिसका एक बाकायदा तौर पर वीडियो रिकॉर्ड भी मौजूद है। वो था दिन कैसा पंचायत मामला हल कर रहे ऐसे क्लियर कर रहे ऐसे, लेकिन शाहजेब आते कि मेरे खिजर उमर ने 1.5 करोड़ देवने। जुमा 8 नहीं थी, पहले वेला मुंडा और उमर शेख का कट्टा खुला है, हूँ इन्हा का खुल गया। मामले सोशल मीडिया से हल नहीं बल्कि फेस टू फेस थी, क्योंकि आगे पेट्रोल सट्टा ना लाग बद दिए कम नहीं थी दी। ते पहली गाल खिजर उमर और जिस टाइम शाहजेब मतलब अलहदा अलहदा अपने काम करे ने पहन ते सोशल मीडिया ते इन्ना फैलाया नहीं गाल को, ते जिस टाइम तुसा अलहदा थी गए वे उस तो बाद ही फैलावण दा केड़ा फायदा है, तुसा ता अलहदा थी गए वे। हर दूजा बंदा अपनी वीडियो वायरल करण वास्ते इन्ना ते वीडियो बने सी और अपलोड करे सी, व्यूज गिन सी, लाइक गिन सी, क्या वजह मसला एरा कोनी, लेकिन सोशल मीडिया ते बहु वरिया मसला बन सी और बन चुके। बाकी यार मिल सुनामी वीडियो ना, तब तक के लिए अल्लाह।